पीएम मोदी ने आरबीआई को सराहा, भारत को बनाना चाहते हैं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। ₹3,500 करोड़ रुपए की टैक्स नोटिस मामले में कांग्रेस को राहत, चुनाव के मद्देनजर जुलाई तक नहीं होगी कार्यवाही। लोकसभा चुनाव में जेपी नड्डा मंगलवार से शुरू कर रहे 2 दिवसीय दौरा। भाजपा ने दिग्विजय सिंह और नकुल नाथ के खिलाफ कार्रवाई करने निर्वाचन आयोग से की शिकायत। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी कांग्रेस में शामिल, बोले भाजपा दल नहीं दलदल वाली पार्टी बन गई। रक्षा निर्यात के मामले में भारत के नाम नया कीर्तिमान, किया 21,000 करोड़ का आंकड़ा। कांग्रेस में आज शामिल होंगे सपा के उज्जवल रमण सिंह, इस सीट से टिकट तय, यह सब अखिलेश यादव की सहमति पर। कांग्रेस 5 अप्रैल को जारी करेगी घोषणा पत्र, 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में विशाल रैलियां होंगी। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल का बड़ा ऐलान, नहीं लड़ेंगे लोकसभा चुनाव। भाजपा छिंदवाड़ा से हटाएगी अंधेरा, खिलेगा कमल, कांग्रेस के काले कारनामों का जनता जवाब देगी, बोले सीएम मोहन यादव। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।